Hello and welcome students. The topic for today's class is important dams. The dams which we will discuss today are mostly asked in NTSC and other competitive exams, though few dams are also given in your NCERT book. So let's begin with today's session. The dams which you are going to learn today are Rana Pratap Sagar Dam, Metro Dam, Tahiri Dam, Bhakra Nangal Dam, Hirakud Dam, Sardar Sarovar Dam, Nagarjuna Sagar Dam, Rihand Dam, Methan Dam, Koyna Dam and Indira Sagar Dam. While studying these dams, we will also understand the basic difference on the basis of which the dams are divided or classified as the largest dam, longest dam and the highest dams. अब ये जो आपके सामने डैम है, ये है तहरी डैम। ये रिवर भागीरथी पर बनाया गया है और स्टेट आती है उत्तराखंड। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, जो भी आपने डैम को याद करना है, वो एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वो किस रिवर पर बनाया गया है, दूसरा आपने याद रखना है किस स्टेट में है वो डैम, ठीक है। तो अब तहरी डैम किस पे है? भागीरथी रिवर पर बनाया गया है और ये उत्तराखंड स्टेट में है, क्योंकि भागीरथी रिवर कहाँ फ्लो करती है? उत्तराखंड में। अब किसी डैम से अटैच्ड कोई उसका स्पेशल फीचर है तो वो भी हमें अच्छे से याद रखना है। अब जैसे तहरी डैम इस डैम से रिलेटेड है कि इट इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। हाईएस्ट का मतलब सबसे ऊंचा है, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, और ये दुनिया के टॉप 10 डैम्स में से एक है। अब आपको ये तो पता है कि डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, है ना? पहले हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि डैम्स क्या होते हैं और डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट किस बेसिकली क्या पर्पज़ सॉल्व करते हैं। मेन वैसे तो डैम्स के बहुत सारे अपने जो हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम बनाते हैं, बट बेसिकली ये फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन के लिए बनाए जाते हैं। नाउ दिस डैम इज़ भाखड़ा नांगल डैम, और ये डैम जो है सतलुज रिवर पर बनाया गया है, और इस डैम से हम लोग सबसे ज़्यादा 1500 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एंड दिस डैम इज़ द लार्जेस्ट डैम। लार्जेस्ट डैम मीन्स, अब हम किस डैम को लार्जेस्ट डैम बोलते हैं ये हमें जानना ज़रूरी है। जिस डैम का रिजर्वायर सबसे बड़ा होता है उसको हम लार्जेस्ट डैम के नाम से जानते हैं। तो भाखड़ा नांगल डैम का रिजर्वायर सभी डैम से बड़ा है, और हमने लास्ट सेशन में ये पढ़ा है कि रिजर्वायर कैसे बनाया जाता है। रिजर्वायर एक्चुअली जो रिवर फ्लो है उसको जब हम बीच में रोक के डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो रिवर वाटर को डाइवर्ट करते हैं एक पॉन्ड टाइप स्ट्रक्चर में, एक बड़े से स्ट्रक्चर में, ताकि वो उसमें स्टोर हो चुके, और उस स्ट्रक्चर को ही हम रिजर्वायर कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल डैम को टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया भी कहा है। टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, अगर ये क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस डैम के लिए ये स्टेटमेंट यूज़ किया है टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, तो वो है भाखड़ा नांगल डैम। एंड दिस डैम इज़ सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। इट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। ये जो सतलुज रिवर जिसके ऊपर ये भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया है, इट इज़ द बेसिकली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ये हमने पहले पढ़ा है। तो जब आप रिवर्स को पढ़ते हैं तो उसको साथ के साथ कनेक्ट करते जाया करो कि कौन सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, या कौन सी रिवर मेन रिवर है जिस पे वो पर्टिकुलर डैम बना हुआ है। नाउ दिस डैम इज़ हीराकुड डैम, और ये जो है महानदी रिवर पे बनाया हुआ है। और अगर महानदी रिवर आपको पता हो कि कहाँ से बहती है, कहाँ फ्लो करती है, तो ये है उड़ीसा स्टेट में। और इसकी लेंथ जो आप इस इमेज में देख रहे हो वो कहाँ से कहाँ तक देखनी है, जो ब्लैक एरो लगा है ना, मैंने एरो उसे मार्क कर दिया है, तो ये है इसकी लेंथ। एक्चुअली डैम के पीछे रिजर्वायर है, और आगे जो है वो आपकी ये रिवर दिख रहा है, जिस रिवर का जो वाटर है, वाटर फ्लो हमने रोका है डैम बनाकर, वो रिवर आगे की तरफ दिख रही है और पीछे की तरफ ये रिजर्वायर दिख रहा है। तो एक तो मैंने ब्लू एरो शो किए हैं आपको हाइट दिखाने के लिए कि डैम की हाइट ऐसे नापी जाती है, ये है डैम की हाइट नापने का तरीका। और जो ब्लैक एरो है ये डैम की लेंथ दिखा रहा है।
एक्चुअली एक तरीके से ना ब्रिज होता है डैम के ऊपर जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, ये एक रोड है जिस पे हम खड़े होकर डैम को देख सकते हैं और डैम के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँच सकते हैं। तो हीराकुड डैम का एक फीचर है जो आपको ध्यान रखना है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। लॉन्गेस्ट डैम का मतलब उसकी लेंथ बहुत है, उसकी लंबाई बहुत है। ये जो रास्ता है ना जिसमें हम चल के डैम को देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा है। इस वजह से हीराकुड डैम को लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया भी कहा जाता है। और इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज़ इक्वल टू 26 किलोमीटर्स। और ये जो डैम है इट लाइज बिटवीन गांधी मीनार इन द नॉर्थ एंड नेहरू मीनार इन द साउथ। इट इज़ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट। आई होप कि अब आपको तीनों क्राइटेरियाज जिसके बेस पे हम डैम को सेपरेट करते हैं, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट का नाम देते हैं, वो क्लियर हो चुका होगा। अब जैसे लॉन्गेस्ट डैम है, ये इसकी लेंथ है, और जो हाइट है, हाइट के बेसिस पे हम डैम को हाईएस्ट और मीडियम और लोएस्ट का नाम देते हैं, और लार्जेस्ट का मतलब होता है जिस डैम का रिजर्वायर सबसे बड़ा हो। अब कई बार बिगेस्ट डैम पूछ लिया जाता है, तो बिगेस्ट और लार्जेस्ट बोथ आर सेम। जब बिगेस्ट पूछा जाए तो आपने देखना है लार्जेस्ट डैम उसमें से, ठीक है। और ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी कि जो डैम, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लार्जेस्ट या हाईएस्ट डैम का रिजर्वायर सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो रिजर्वायर किसी भी डैम का सबसे बड़ा हो सकता है, और जिस डैम का सबसे बड़ा रिजर्वायर होगा उसी को हम लार्जेस्ट या बिगेस्ट डैम का नाम देते हैं। अब ये डैम नागार्जुन सागर डैम है और ये कृष्णा रिवर पर बनाया गया है। इस इमेज में डैम के गेट्स काफ़ी क्लियर हैं। जब बच्चों रिजर्वायर में पानी ज़्यादा हो जाता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग जो हैं ये गेट ओपन कर देते हैं ताकि जो वाटर फ्लो है वो ठीक से मतलब सिंक्रोनाइज सा हो सके, ठीक है। और कई बार जब ओवर फ्लड ओवर हो जाता है पानी, तो एकदम से अगर उसके सारे गेट्स खोल दो तो ये वाला हाल हो जाता है। ये देखो डैम के आगे आपके स्क्रीन पे पानी का देखो बहाव कितना तेज़ है, जो कि बाद में फ्लड का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। अब कृष्णा रिवर किस स्टेट में फ्लो करती है, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। तो स्टेट आ गई आपकी आंध्र प्रदेश। और इसका एक फीचर है जो आपने ध्यान रखना है, ये है लार्जेस्ट मैसनरी डैम। अब मैसनरी डैम कौन सा होता है, मैसनरी का मतलब होता है स्टोन से, पत्थरों से जो डैम बनाया जाता है उसको हम कहते हैं मैसनरी डैम। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। और अर्थ डैम कौन से होते हैं, जो सीमेंट या कंक्रीट से बनाए जाते हैं। कंक्रीट का पता है ना, मतलब बजरी सी जो होती है, जो हमारे घरों में भी कंक्रीट यूज़ होती है, वो यूज़ होती है अर्थ डैम्स में सीमेंट के साथ। और जो मैसनरी डैम्स होते हैं वो सीमेंट वो स्टोन से बनाए जाते हैं। इसका एक और फीचर है दैट लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड। यानी कि जो ये डैम है नागार्जुन सागर डैम, इसका जो रिजर्वायर है उसे हम लेक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये रिजर्वायर जो है वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड के रूप में गिना जाता है, ठीक है। नाउ दिस डैम इज़ सरदार सरोवर डैम और ये नर्मदा रिवर पर बनाया गया है। और नर्मदा रिवर अब कहाँ बहती है, तो ध्यान करो ये गुजरात में बहती है। तो अब रिवर कौन सी आ गई, नर्मदा, और स्टेट कौन सी आ गई, गुजरात। एंड दिस इज़ द लेटेस्ट डैम ऑफ इंडिया। अब आप देख ही सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, लेटेस्ट है, नया नया डैम बना है भी सबसे सुंदर और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। नर्मदा रिवर पर एक्चुअली तीन डैम्स हैं और उन तीनों डैम में से ये सबसे लार्जेस्ट डैम है। So you can say that it this Sardar Sarovar Dam is a part of Narmada Dam project and it is the largest dam on the Narmada Valley project. और इसके benefits क्या हैं, ये 4 states को, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को electricity से supply होती है इस dam से, और water provide किया जाता है for the irrigation facility. एक पॉइंट और आपने नोट करना है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो भी इसी डैम के पास बनाया गया है।
अब इस स्लाइड में दो डैम दिखाए गए हैं, रिहांद डैम और मैथन डैम। ये दोनों डैम छोटे डैम हैं एज़ कम्पेयर टू द डैम्स विच वी हैव स्टडीड बिफोर। और रिहांद डैम जो है रिहांद रिवर पर बनाया गया है, और रिहांद रिवर कहाँ बहती है, उत्तर प्रदेश में। तो इसमें ज़्यादा गेट भी नहीं है और ये छोटा डैम है। मैथन डैम कहाँ है, ये रिवर बराकर पे है और स्टेट आ जाती है हमारी झारखंड। झारखंड के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। और ये जो बराकर रिवर है इसी के ऊपर डीवीसी है, डीवीसी का मतलब दामोदर वैली कॉरपोरेशन। और इस दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है पूरे झारखंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट छोटा नागपुर प्लेटू इज़ ड्रेन बाय विच रिवर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बराकर रिवर। बराकर रिवर जो है वो हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और जो हुगली रिवर है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये आपको अच्छे से ध्यान होगा, हमने जब रिवर सिस्टम पढ़े थे तब हमने ये पढ़ा था हुगली रिवर और गंगा रिवर के बारे में। तो गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो हुगली रिवर है, हुगली रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो बराकर रिवर है, और बराकर रिवर छोटा नागपुर प्लेटो को ड्रेन करती है। अब ये दोनों हैं छोटे डैम जो अभी हमने पढ़े हैं। ऐसे ही बेटा कोटा में भी जैसे दो डैम हैं, एक कोटा डैम है एक जवाहर सागर डैम है, ये भी दोनों छोटे ही डैम हैं, ये ज़्यादा बड़े डैम नहीं हैं। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा बड़े डैम नहीं हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो पर्पस है वो बेसिकली इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट में सेम फंक्शन परफॉर्म होता है इनसे भी, लाइक फ्लड कंट्रोल है, इरिगेशन के लिए जो है वाटर यूज़ होता है, और फन बेसिस के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, फिश ब्रीडिंग के लिए। तो पर्पस जो है हमारे मल्टीपर्पस पर्पस जो प्रोजेक्ट हैं ये डैम, ये इनके वन द सेम हैं थ्रू आउट, बट कुछ डैम बड़े हैं कुछ डैम छोटे हैं। तो जो छोटे डैम हैं वो इकोनॉमिकली थोड़ा सा कम सपोर्ट करते हैं, जो बड़े डैम हैं वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। Now in this slide two different dams are there, images of different dams are there. First is the Koyna Dam and then other one is the Indira Sagar Dam. Koyna Dam is situated at Koyna River and the state is Maharashtra. And Indira Sagar Dam is situated in on River Narmada and the state is Madhya Pradesh. So it is very much important to remember that which dam belongs to which state and which dam is constructed on which river, and if any special feature is there of that particular dam, that you must know. Next is in this slide again two dams are represented here, Krishna Raja Sagar Dam and Tungabhadra Dam. Now Krishna Raja Sagar Dam is situated on river Kaveri and the state is Karnataka, and Tungabhadra Dam is situated on River Tungabhadra and the state is Karnataka. तो ये दोनों डैम कहाँ हैं, कर्नाटका स्टेट में ही हैं। एक तो रिवर कावेरी पे बना हुआ है और एक रिवर तुंगभद्रा पे बना हुआ है। Now this slide is of Mettur Dam. It is one of the largest dam in India and the largest in Tamil Nadu. And the river is Kaveri, state is Tamil Nadu. So it is this dam receives inflow from its own catchment area. Kabini Dam and the Krishna Raja Sagar Dam located in Karnataka only. This slide is of Rana Pratap Sagar Dam. River Chambal. Chambal River kaun si state se behti hai? That is Rajasthan. And this dam is a gravity masonry dam built on Chambal River at Rawat Bhatt in Rajasthan. So this is all about the dams which you have to learn, which you must know for your NCERT syllabus and for your competitive exams. Hope you understand well, but still if any student have any query, any doubt, you can ask me any day, any time. So till next class, keep learning, keep revising.